हेलो एट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ड्राइंग लेक्चर है, क्रिएटिव ड्राइंग बुक और ब्राउन बुक निकालिए। टेक आउट योर क्रिएटिव ड्राइंग बुक एंड ब्राउन स्केच बुक। ओके, 21st January। आज कॉलेज वर्क करेंगे क्रिएटिव बुक में और फिर एनिमल्स हॉर्स एंड काउ ब्राउन स्केच बुक में ड्रॉ करेंगे। कलर भी कर कॉलेज वर्क में कलर नहीं करना, वो पेपर्स अब कलरिंग पेपर्स कटिंग का काम है, मैं समझाता हूँ। क्रिएटिव ड्राइंग बुक निकाला, इंडेक्स के पेज में पेज नंबर 2 इंडेक्स का पेज है, वहाँ पर नंबर 12 में कॉलेज वर्क लिखना है, COLLAGE कॉलेज वर्क। पेज नंबर मेंशन करेंगे 47, नंबर 12 में कॉलेज वर्क, पेज नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे 47। डेट यहाँ लिखें 21st January, तो 21.1.21। अब तक क्या हो क्या क्या हो चुका है मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। ओके, पेज नंबर 47 यानी कि 46 पे दिया है, वो उसके मुताबिक आपको बनाना है। पेज नंबर 47 कॉलेज वर्क देखिए, यहाँ पर एक लड़की का फोटो ये पोर्ट्रेट बनाया है, पहले ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद कलरिंग पेपर्स चिपकाया है। कैसे जानदार लगता है कि नहीं, तो अलग अलग पेपर कलर के पेपर्स चिपका कर इसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करनी है। पहले फ्रेम बना लेना है, उसके अंदर लड़की ड्रॉ कर लिया, उसका टोपा, ये उसका पहनावा जो भी है फ्रॉक, और बैकग्राउंड में ग्रीन लाइट ग्रीन, कहीं डार्क ग्रीन इस तरह से, और टोपे पे कहीं पे येलो सैफरन लाइट ऑरेंज डार्क ऑरेंज इस तरह से कलरिंग पेपर्स टैर करके चिपकाया है, बाल पे कहीं पे पर्पल कहीं पे ब्लैक इस तरह से, फिर यहाँ पे रेड मरून, फिर यहाँ पिंक लाइट पिंक डार्क पिंक। तो पुराने न्यूज़पेपर पड़े होंगे आपके घर पे, या पुराने मैगज़ीन भी पड़े होंगे जो बेकार है, अभी आप शायद फेंक देंगे, तो पुराने न्यूज़पेपर या पुराने मैगज़ीन के कलरिंग पोर्शन वाले पेपर्स वो काट लीजिए, फाड़ लीजिए अलग अलग कलर के, और उसके बाद से चिपका कर इस तरह से एक पिक्चर क्रिएट करना। पहले ड्रॉ कर लेना है का, और उसके बाद समझाते हैं। देखिए नीचे उन्होंने कैसे समझाया है, हियर देख लिया गौर से, हियर द पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल इज गिवन, एक गर्ल का पोर्ट्रेट यहाँ पे बनाया है। कलेक्ट द कलर्ड पेपर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, पुराने न्यूज़पेपर या मैगजीन के कलर्ड पेपर आप बंदोबस्त कर लीजिए, बराबर। मेक स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट कलर्ड पेपर्स बाय टैरिंग विद हैंड, फिर उस कलरिंग पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ लीजिए हाथ से बाय हैंड, तो कलरिंग पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए, जिन कलर्स की जरूरत है वो कलर्स। मेक स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट कलर्ड पेपर्स बाय टैरिंग विद हैंड, नाउ सी द कॉलेज वर्क वेरी केयरफुल गिवन अबो, अब देखिए ऊपर का कॉलेज वर्क है, गौर से देखिए। कॉलेज वर्क हम सीख गए, फिर से बता दूँ, कॉलेज वर्क का मतलब डिफरेंट कलर्स के पेपर्स हाथ से फाड़ फाड़ कर एक पिक्चर क्रिएट करना, उसे कहते हैं कॉलेज वर्क। यहाँ COLLAGE कॉलेज है, ये वो वाला कॉलेज नहीं जो 12th के बाद हम जाते हैं, बड़े बच्चे जाते हैं,
COOLLAGE कॉलेज वर्क यानी कलरिंग पेपर फाड़ फाड़ के हाथ से और फिर एक पिक्चर क्रिएट करना, उसे कहते हैं कॉलेज वर्क। पहले हल्के से ड्रॉ कर लेने का होता है, उसके बाद चिपकाएंगे, इस तरह से पिक्चर क्रिएट करते हैं। सी द कॉलेज वर्क वेरी केयरफुली गिवन अबव। कलर पेपर्स कैन बी पेस्टेड विथ गम ऑन अ ब्लैंक वाइट पेपर एज शोन इन द पिक्चर। उसके बाद गम से या फेविकॉल से आप वो जो कलरिंग पेपर जहाँ जिस कलर की ज़रूरत है वहाँ पे स्टिक कर देंगे गम से, गम के जरिए। ओके, गम या फेविकॉल जो भी हो। कलर कलर पेपर्स कैन बी पेस्टेड विथ गम ऑन अ ब्लैंक वाइट पेपर एज शोन इन द पिक्चर, दस यू कैन मेक मेमोरी ड्राइंग। इस तरह से आप एक मेमोरी ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। नेचुरल सीन और ऑब्जेक्ट ड्राइंग ऑल्सो, नेचुरल सीन या ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी बना सकते हो, ना कि सिर्फ मेमोरी ड्राइंग, नेचुरल सीन और ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी आप बना सकते हो। ठीक है, देख लीजिए गौर से। अब सामने वाले पेज पर आएंगे, ये पेज नंबर 46 था, पेज नंबर 47 पे आएंगे। पेज नंबर 47 यहाँ पर आपको बनाना है, पहले एक बड़ा रेक्टेंगल शेप का ही फरमा ये शेप बना लेना, उसके अंदर फिर अब गल बनाएंगे। गल बनाने के लिए बताता हूँ, पहले यहाँ पढ़ लें। प्रिपेयर अ ब्यूटिफुल कॉलेज पिक्चर ऑफ अ पोर्ट्रेट बाय वेस्ट कलर्ड पेपर्स ऑफ एन ओल्ड मैगजीन इन द ब्लैंक स्पेस गिवन अबव। ऊपर एक कलर्ड पेपर को फाड़ फाड़ के फिर एक ब्यूटिफुल पिक्चर क्रिएट करना है कॉलेज वर्क के जरिए। कैम सॉरी मेक स्मॉल पीसेज बाय टेयरिंग द पेपर्स विथ हैंड। वो जो आप पेपर फाड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े फाड़ेंगे अपने हाथ से, वो हाथ के जरिए। डू नॉट यूज सीजर्स, सीजर यूज नहीं करना है, हाथ से फाड़ फाड़ कर तैयार करना है। यूज गम और फेविकॉल फॉर पेस्टिंग द पीसेस ऑफ पेपर। पेपर को स्टिक करने के लिए, चिपकाने के लिए आप फेविकॉल या गम की मदद ले सकते हैं। तो एक बड़ा सा ये लाइन ड्रॉ आउट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जितना बड़ा बनाना है बड़ा ही बनाना है, छोटा नहीं। गल कैसे ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, भाई गल के गल ड्रॉ करने के लिए एक इस तरह से एक ओवल शेप बना लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे उसकी भौं है यानी कि आईब्रो हल्के से ड्रॉ करना, फिर उसकी आंखें या फिर टी बना लीजिए इस तरह से भी। तो यहाँ पे आईब्रो टी की ए लाइन पे, आड़ी लाइन पर आईब्रो, फिर आईज आईब्रो आईज, देन नोज, लिप्स, ओके, फिर इस तरफ देख रही है तो यूं, हाँ
बन गया। उसके बाद इसके ऊपर जहाँ पे जो जिस कलर की ज़रूरत है उस कलर के कलरिंग पेपर हाथ से फाड़ फाड़ कर गम के ज़रिए चिपकाना है। ये है काम। वैसे हम लास्ट ईयर आर्ट एंड क्राफ्ट बुक में था, हम सीख चुके हैं वैसे। ओके, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश की। मैंने सोच लिया कि भाई चलो इंदिरा गांधी को बनाएं, तो इंदिरा गांधी बनाने की कोशिश की। यहाँ पर मोबाइल से फ़ोटो निकाला और फिर इस तरह से बनाया है, आपको दिख रहा है। देखो थोड़ा डार्क कर दे तो देखिए। अब दिख रहा होगा, है ना। अब कलरिंग पेपर मैगजीन, पुराने मैगजीन से या न्यूज़पेपर से फाड़ फाड़ कर अलग अलग कलर के पेपर हाथ से फाड़ फाड़ कर चिपकाना, जहाँ जैसे कलर, जिस कलर की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर बताया है आपको ये मतलब इंदिरा गांधी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो ये डिटो बना सकते हो, या फिर आपको थोड़ा अलग बनेगा चलेगा, या फिर आपको लगे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है पोर्ट्रेट, आपको लगे कि नहीं भाई मैं तो ये क्या बोलते हैं ऋतिक रोशन या फिर वो कैटरीना कैफ जो भी वो बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो पेंसिल से पहले वो ड्रॉ कर लीजिए और फिर कोशिश करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट ना बने को घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कॉलेज वर्क होने से मतलब है, बराबर। फिर
तो पहले पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद फिर ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट कलर्स के पेपर फाड़ फाड़ कर फिर चिपकाना। अगर मैगजीन या न्यूज़पेपर आपको आप के पास नहीं है, तब ये देखिए उत्तरायण आ गया, उत्तरायण अभी कुछ दिनों में गया, तो फटे हुए पतंग खरीदने की ज़रूरत है। फटे हुए पतंग के कलरिंग पोर्शन, अलग अलग कलर के फटे हुए पतंग के कलरिंग पोर्शन फाड़ फाड़ कर भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने कलेक्ट किया है। अभी मैं आपको बताने जाऊँगा तो काफ़ी देर लगेगी, उसमें टाइम लगेगा ज़रूर। शांति से बनाएगा, जिसमें मैंने अलग अलग कलर के पेपर काइट पेपर जुगाड़ किया, मैंने बंदोबस्त किया, तो इस हाथ से फाड़ फाड़ कर फिर मैं ज़रूरत के मुताबिक मैं स्टिक करूँगा। जैसे भी आप करेंगे, आप भी ऐसा ही ऐसे बनाएंगे, तो ये रहा आपका होमवर्क। ओके, अब दूसरा भी है, एक कॉलेज वर्क, ये क्रिएटिव बुक में बनाना था, क्रिएटिव ड्राइंग बुक में एक कॉलेज वर्क पेज नंबर 47। अब दूसरा है क्रिएटिव बुक में ही पेज नंबर 44 निकालिए, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 निकाला, पिक्चर कंपोजिशन एनिमल, काउ और हॉर्स व्हील डेफिनेटली बी फाउंड अराउंड योर हाउस। हमारे घर के इर्द गिर्द काउ या हॉर्स हमने देखा ही होगा, अक्सर देखा होगा हमने। मेक अ पिक्चर इन योर आर्ट बुक बाय ऑब्जर्विंग अ काउ और अ हॉर्स, फिल वाटर कलर और पोस्टर कलर्स इन द पिक्चर। तो इस तरह से आप हॉर्स काउ बनाने को कह रहे हैं, और फिर इसमें वाटर कलर फिल करने को कहते हैं। देखिए हॉर्स के लिए भी देखिए मैं मेथड बताया है। हॉर्स बनाने के लिए पहले इस तरह का स्केच बनाने का होता है। नंबर वन फर्स्ट स्टेप था ये फर्स्ट स्टेप बना लेने के बाद सेकंड स्टेप में थोड़ा थोड़े उसके गर्दन पे बाल जो होते हैं वो, उसकी पूंछ बराबर कर ली, आंखें बराबर बना ली, मुंह बनाया बराबर, फिर कुछ परफेक्ट जैसा नहीं लगता है उसको बराबर कर लिया, कर्व लाइन कर्व आएगी जहाँ पर हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी तो उसको थोड़ा कर्व कर देंगे, थोड़ा सुधारा। फिर लास्ट स्टेज में बिल्कुल हल्के से पहले एच बी पेंसिल यूज़ करेंगे और हल्के से बनाएंगे, पहले नंबर वन को फॉलो करेंगे, नंबर टू और उसके बाद थर्ड में फाइनल, फिर फाइनल बनाने के बाद आपको लगता है कि बिल्कुल हॉर्स ही दिखता है, बराबर है, कहीं कुछ भी सुधारा वधारा नहीं करना है, तो फिर कलर करेंगे। वैसे ही काव, काव हमने तो ज़रूर देखा है, हर रोज़ देखते हैं रास्ते पर घूमते हुए, तो उसकी उस काव बनाने के लिए भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाया। नंबर वन, नंबर टू, नंबर वन स्टेप में देखिए ये कैसे बक्सा जैसा बना लिया होगा पहले, हाँ इस तरह से रेक्टेंगल शेप, फिर उसके बाद उसका गले का पोर्शन और फिर मुंह इस तरह से बना ले, फिर कान निकाले, दो पाँव आगे के दो पाँव पीछे, और फिर ये उसकी टेल। नंबर टू में कुछ और सुधारा उधारा कर लिया, देखिए यहाँ पे यूँ कर लिया, फिर उसके हॉर्न सिंगड़े बनाए बराबर। तो स्टेप बाय स्टेप आगे करते जाओगे तो फिर ज़रूर बनेगा। उसके बाद फाइनल बनाना है बिल्कुल, कुछ शेडिंग वेडिंग करना है पेंसिल तो कर लीजिए, उसके बाद कलर भी करना है। तो ये दोनों हम ब्राउन स्केच बुक में बनाएंगे, बड़ी ब्राउन स्केच बुक है ना पीछे, या पीछे ये वाली बुक में, इसमें बनाएंगे बड़ी ब्राउन स्केच बुक में। क्या लिखते हैं, हियर द पिक्चर्स ऑफ अ हॉर्स एंड काउ आर ड्रॉन, स्टडी बोथ दिस पिक्चर्स, अ हॉर्स एंड काउ आर द एनिमल्स विच आर सीन इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोजिंदा जिंदगी में ये हॉर्स और काउ देखने को जरूर मिलते हैं, हम देखते ही हैं। इट विल बी इजी टू ड्रॉ द पिक्चर बाय स्टडिंग केयरफुली नंबर वन एंड नंबर टू गिवन इन द पिक्चर, हमने हर रोज देखा तो है, बिल्कुल हमारे जहन में है, इसके अलावा भी बिल्कुल परफेक्ट सा बना पाए तो ऊपर ये स्टेप बाय स्टेप समझाया भी है कैसे, उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आएगा। थोड़ा सा तो ये आपको ब्राउन स्केच बुक में बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। पहले
हॉर्स के लिए यू हॉर्स का पेट बहुत कुछ तगड़ा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इस तरह से कुछ बराबर। और फिर काव के लिए काव काव का पेट काव काव कुछ ज्यादा खाता है, इसलिए उसको पेट थोड़ा हरा भरा रखना है। ये बन गया काव।
है कि नहीं। तो इस तरह से बनाना है, यहाँ पे स्टेप फॉलो करोगे तो आ जाएगा। ऐसा एच बी पेंसिल से हल्की से पहले स्टेप वन बना लो, उसके बाद स्टेप टू में आइए, थोड़ा सा सुधार आधार करना है, कुछ रब करके बराबर परफेक्ट करना है, कुछ ऐड करना है, और उसके बाद फाइनल। ओके, तो उसके बाद कलर भी करना है। तो ब्राउन स्केच बुक निकालिए, निकालिए ब्राउन स्केच बुक। ब्राउन स्केच बुक में आपको इंडेक्स के पेज में मैं बता रहा हूँ पूरे साल में इतना हो चुका है। कैन यू सी नंबर वन में कॉलेज वे, अरे सॉरी, नंबर वन में कलर व्हील, नंबर टू में कैलीग्राफी स्केच ऑब्लिक फॉर्म्स, नंबर थ्री में कैलीग्राफी फॉर्म्स, नंबर फोर ऑब्जेक्ट ड्राइंग, इंटर ब्रैकेट पर्सपेक्टिव मेजरमेंट एंड लाइट एंड शेड, नंबर फाइव पिक्चर कॉम्पोजिशन मेजरमेंट ऑफ फेस एंड ह्यूमन फिगर, वन वन लाइन लीव करके लिखना है इंडेक्स के पेज में। नंबर सिक्स में स्टूडेंट वर्किंग ऑन कंप्यूटर, नंबर सेवन में पोस्टर लेटर राइटिंग, नंबर एट में पोस्टर, और आज नंबर नाइन पिक्चर कंपोजिशन एनिमल्स। राइट साइड पर बनाते आड़ी और खड़ी लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर लो, डेट लिखोगे, पिक्चर कॉम्पोजिशन एनिमल, फिर यहाँ एक खड़ी लाइन ड्रॉ कर लो, ऊपर की तरफ हॉर्स बनाना है, नीचे काफ, इस तरह से बनेगा। थोड़ा लंबा होगा ना ये दोनों एनिमल, कि ये लंबे होते तो इस तरह से आड़ा बनाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए मैंने हॉर्स बनाया है लाइट, इसके बाद अब मैं कलर करूँगा, लेकिन अभी कलर करूँ तो बहुत ही लेंदी बन जाएगा, धीमे धीमे कलर करना है। ओके, तो आप कलर कर लेंगे बुक में से देखकर, कलर करते आता है आपको बिल्कुल वाटर कलर, ये एक स्टैंडर्ड में आ गए हो आप। ठीक है, तो इस तरह से काउ और हॉर्स ड्रॉ करके दोनों ही ब्राउन स्केच बुक में कलर करके कंप्लीट करिएगा। तो स्केच क्रिएटिव बुक में आपको कॉलेज वर्क करना है, और ब्राउन बुक में हॉर्स एंड काउ ड्रॉ करना है, डेट लिखना है, पिक्चर कंपोजिशन एनिमल टॉपिक है। ओके ओके बाय चिल्ड्रन।